Good morning, students. Today we'll start our next unit, unit 3, producer's behavior and supply. The chapter number 7, that is about production function and returns to a factor. In this chapter we'll study about the production function. Generally, what is production function? Production function depicts reveals the relationship between inputs and outputs. Means ki jo inputs की यूनिट हमने यूज़ की हैं या डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ किए हैं उनसे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल या टेक्निकल जो रिलेशनशिप है हम वो देखते हैं. मॉनेटरी फिनोमेना यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हमने यूज़ किए. मेनली अगर हम यहाँ पे दो फैक्टर्स लेके चले, लेबर एंड कैपिटल, तो जो भी हम लेबर यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं उन लेबर यूनिट्स का मार्केट वैल्यू क्या है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम लेबर यूनिट्स स्टडी करेंगे कि कितने लेबर्स को यूज़ करके या कितने लेबर लगा के हम कितनी आउटपुट या कितनी यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की प्रोड्यूस कर सकते हैं. कि सपोज़ एक लेबर जो है 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, दो लेबर्स जो हैं 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं या 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि एक लेबर ने 4 यूनिट प्रोड्यूस की, दैट मीन्स एक फंक्शनल रिलेशन हुआ कि एक लेबर ने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके 4 यूनिट्स परफॉर्म प्रोड्यूस की है. दो लेबर्स जो हैं फंक्शन करते हैं या काम करते हैं तो 8 या फिर 9 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट इज़ द फंक्शनल रिलेशन, उनके बीच में फंक्शनल रिलेशन है. ओके, सो प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी. ओके, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट या मटेरियल इनपुट और मटेरियल आउटपुट हम यूज़ करेंगे, दैट मीन्स कितनी यूनिट्स हमने उस इनपुट की यूज़ की हैं और उनसे कितना आउटपुट या कितनी यूनिट्स हमने उस आउटपुट की प्रोड्यूस की हैं. फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे. ओके, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन. अल्जेब्रिकली इट इज़ शोन एज क्यू एक्स. एक्स इज़ द कमोडिटी. क्यू एक्स मीन्स the quantities of x commodity and it is also called the output of commodity x. qx को हम output भी कह सकते हैं या quantity of x commodity भी कह सकते हैं. x commodity हम produce कर रहे हैं और उसकी कितनी quantity या कितनी units हमने produce की हैं उसको हम qx से दिखाएंगे. is equals to f. f is used for function of lk, लेबर एंड कैपिटल. दैट मीन्स हमने आउटपुट प्रोड्यूस की विद द फंक्शनल रिलेशन और विद द फंक्शनल हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स इनको हम कह सकते हैं. मेनली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दीज आर कॉल्ड और दीज आर नोन एज इनपुट्स. ओके, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो हमारे इनपुट्स होते हैं. तो हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे यूज़ किए हैं, लेबर एंड कैपिटल. तो हमारे पास दो इनपुट है, लेबर एंड कैपिटल. ओके, इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशन, दैट मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है. मॉनेटरी वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे कि कितने लेबरर्स को हमने हायर किया है तो उनको पे कितना किया, कितना कैपिटल हमने यूज़ किया है और जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम ये कंसिडर नहीं करेंगे. मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन या फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स इनपुट की यूज़ करके कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल 50x, ये जो 50x है दैट मीन्स x कमोडिटी की 50 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ 10L8K, दैट मीन्स 10 लेबरर्स आर यूज्ड एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज बीइंग यूज्ड. ओके, वो कैपिटल हमारा जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. ये इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी. जो हम कैपिटल गुड्स यूज़ करते हैं, मशीन है, लाइक प्लांट है, ये हमारी जो है कैपिटल गुड्स हैं. तो उनकी बात है यहाँ पे, या उनकी बात हम कर रहे हैं कि कैपिटल की कितनी यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे कैपिटल का मतलब मनी से नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी हमने बात की कि हम प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स यूज़ करते हैं कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी यूज्ड और विच आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके, इन फैक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. ओके, नाउ व्हाट आर दीज कैटेगरीज, और व्हाट आर फिक्स्ड फैक्टर्स एंड व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड फैक्टर्स द फैक्टर्स विच रिमेन फिक्स्ड इन साइज और विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन साइज और नंबर
with the change in or size of output. That means वो factors जो constant रहते हैं, fixed रहते हैं in size or number, means उनका number जो है change नहीं होता है with the change in level of output or production. मतलब production में change होता है या output के level में change होता है, तो इन factors का जो size है या number है वो constant या फिर fixed रहता है, means change नहीं होता है. okay, तो fixed factors are the factors which do not change in size or number. ओके, वो फैक्टर्स जिनका साइज या नंबर चेंज नहीं होता है विद अ चेंज इन आउटपुट. मतलब आउटपुट का लेवल तो चेंज हो गया कि 5 यूनिट्स के बजाय अब हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं, 5 फैंस की बजाय 10 फैंस हम प्रोड्यूस करने लग गए हैं, लेकिन कैपिटल, ओके, जो हमारी कैपिटल है मतलब मशीन्स या फिर जो प्लांट है, ठीक है, उसका साइज या उसका नंबर, नंबर ऑफ मशीन्स या साइज ऑफ प्लांट जो है वो चेंज नहीं किया हमने. उसी उन्हीं मशीन्स के साथ जितनी हमारे पास थी या उसी प्लांट साइज के साथ हमने 5 फैंस की बजाय 10 फैंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है. दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो मशीन या प्लांट था, उसको हमने चेंज नहीं किया है या वो चेंज नहीं हुआ. ओके, here is a point which is to be kept into mind. The size or the number of, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, the factors do not change their size or number with the change in output. वो fixed factors होते हैं, लेकिन ये size or number जो है कब तक, एक certain extent तक ही change नहीं होगा. और वो certain extent क्या है? maximum production capacity of the factor. मतलब उस फैक्टर की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी तक चेंज नहीं होगा. मींस एक प्लांट में अगर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक प्लांट में अगर इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ पे 100 फैंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या प्लांट का साइज़ जो है वो कहता है कि मैक्सिमम 100 फैंस इस प्लांट में प्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल किसी भी रूम में, लाइक क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई किया जा सकता है मैक्सिमम, तो उस रूम की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो गई 50 स्टूडेंट्स. ओके, सो इसी तरीके से 100 फैंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्लांट साइज़ के, एग्जिस्टिंग प्लांट साइज़ के अकॉर्डिंग. सो 0 to 100 फैंस जो आउटपुट का लेवल है या जो प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है या साइज है, दैट इज, और इफ दिस रेंज और रेंजेस 0 to 100. ओके, अगर जो हमारे प्लांट का साइज है वो 0 to 100 फैंस तक है हमें पता है, तो 0 to 100 फैंस तक हम जितना भी आउटपुट करेंगे, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट्स ऑफ फैंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा प्लांट साइज चेंज नहीं होगा, प्लांट साइज सेम रहेगा. ओके, आइदर इट इज 0 और 50, 70 और 100. ओके, दैट मींस एक सर्टेन एक्सटेंट तक, प्रोडक्शन के एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही जो फैक्टर्स हैं उनका साइज चेंज नहीं होता है. ओके, और वो सर्टेन एक्सटेंट क्या है? मतलब एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक हद तक जो है वो चेंज नहीं होगा. और वो एक्सटेंट क्या है, वो लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस फैक्टर की. मींस एक मशीन अगर एक दिन में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई उस मशीन की एक दिन में प्रोड्यूस करने की 5 यूनिट्स हो गई. ओके, अगर उस दिन हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो हम उस मशीन से या उस अकेली मशीन से या एक सिंगल मशीन से प्रोड्यूस नहीं कर सकते 10 यूनिट्स इन अ डे. वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ मशीन्स. ओके, हमें 2 मशीन्स वहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. ओके, तो अगर हमने 5 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करना है, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तब तक उस फैक्टर का जो साइज है चेंज नहीं होगा या नंबर जो है चेंज नहीं होगा. ओके, वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी तक यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और नंबर. दैट इज फिक्स्ड फैक्टर. मतलब वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के साइज के साथ चेंज नहीं होते हैं. ओके, वो फिक्स्ड ही रहते हैं.
ओके, जैसे मशीन है, हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी एक ही मशीन थी, अगर आप कल मीन्स आज से हमने 4 यूनिट प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी है डेली, तो भी एक मशीन ही हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस मशीन की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 यूनिट्स। ओके, तो हम एक यूनिट डेली प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी एक ही मशीन थी हमारे पास, जब हमने 4 यूनिट डेली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी तब भी हमारे पास एक ही मशीन थी प्रोडक्शन की। ओके, दैट इज़ द फिक्स्ड फैक्टर। प्रोडक्शन का साइज चेंज हुआ, डेली एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, अब डेली 4 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन तो चेंज हो गया 1 यूनिट टू 4 यूनिट्स, लेकिन इनपुट जो है हमारा मशीन जो है वो चेंज नहीं हुआ। द नेक्स्ट इज वेरिएबल फैक्टर्स। इन कंट्रास्ट टू और ऑपोजिट टू फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच चेंज देयर साइज और नंबर विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट। मीन्स वो फैक्टर्स जो अपना नंबर या साइज जो है चेंज कर लेते हैं, या फिर चेंज हो जाता है जिनका साइज या नंबर विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लेवल में चेंज होने पे जिन फैक्टर्स का नंबर या साइज चेंज हो जाता है वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो द फैक्टर्स विच चेंज देयर साइज और नंबर विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साइज या प्रोडक्शन के लेवल या प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साइज क्वांटिटी के साथ जिन फैक्टर्स का नंबर या साइज चेंज हो जाता है वो फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हैं। एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स, वेरी वर्ड से आया है, VARY, वेरी मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट दैट मीन्स अलग अलग जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर्स जो कि चेंज हो जाते हैं प्रोडक्शन के साइज के साथ। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल फैक्टर लिया है दैट इज़ लेबर। ओके, लेबर जो फैक्टर है या लेबर फोर्स जो है वो चेंज होगी। व्हेन द प्रोड्यूसर डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस, नो लेबर फोर्स इज हायर्ड, दैट मीन्स अगर वहाँ पे प्रोडक्शन जीरो है तो कोई भी लेबरर्स हायर नहीं किए जाएंगे, लेबर फोर्स जीरो रहेगी, लेकिन मशीन्स उतनी ही रहेंगी जितना प्रोड्यूसर ने शुरू में खरीद के रख ली थी, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल कर लिए जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। ओके, फिक्स्ड फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच आर इंस्टॉल्ड और विच आर बॉट और डिप्लॉयड बिफोर स्टार्टिंग और कमेंसिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही लगा दिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं, खरीद दिए जाते हैं, वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। वेयर इज वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ साथ लगाए जाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, अगर घटाना है तो इनको डिक्रीज कर दिया जाएगा, और जब प्रोडक्शन करना ही नहीं, मीन्स जब प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, तो ये फैक्टर्स यूज भी नहीं होते हैं। ओके, नाउ वी बाइफर्केट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है एंड रेंजेज अप टू 1 ईयर, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1 टू अप टू 1 ईयर, एक दिन से शुरू होकर 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है। एक दिन भी हो सकता है, वो कपल ऑफ डेज भी हो सकता है, दैट मीन्स 364 डेज हम लेके चल सकते हैं, 365 में हमारा जो है 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। कीप रिमेंबर, इट इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। ओके, टू चेंज द साइज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ये वो टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है टू चेंज द साइज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्वांटिटी या साइज को चेंज करने के लिए सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही हम चेंज कर सकते हैं, उनका साइज या नंबर ही हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं कॉन्स्टेंट रहेंगे। से मशीन्स और प्लांट की हम बात करें, क्योंकि इतना छोटा टाइम पीरियड होता है ये शॉर्ट रन, या हो सकता है इतना छोटा टाइम पीरियड कि जो मशीन्स हैं, नंबर ऑफ मशीन्स हैं, प्लांट का जो साइज़ है वो चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हम एक ही दिन में प्लांट का साइज़ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं या बढ़ा नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स कॉस्ट जो है रेंजेस इन लैक्स और करोड़, ठीक है, लाखों करोड़ों की जो रुपए की जो मशीन हम खरीदते हैं उसको हम विद इन अ डे उतना फंड्स हम अरेंज नहीं कर सकते, या फिर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, तो इतना जल्दी हम अपने जो नंबर ऑफ मशीन्स हैं या प्लांट का साइज़ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। मे बी जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं जो करोड़ों रुपए की हैं, तो एक प्लांट एक फैक्ट्री को या कंपनी को
एक मशीन खरीदने के लिए में भी कुछ मंथ्स भी लग जाते हैं अपने फंड्स को कलेक्ट करने में. सो इट इज़ द टाइम पीरियड, शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच द वेरिएबल फैक्टर्स कैन ओनली बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन साइज और लेवल. प्रोडक्शन के साइज और लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज कर सकते हैं. दूसरी तरफ डिक्रीज करना है तो इतना जल्दी ना तो मशीन्स या फिर ना ही जो है प्लांट का साइज जो है एक प्रोड्यूसर कम करना चाहेगा कि आज स्ट्राइक हो गई है हफ्ते भर के लिए महीने भर के लिए तो मशीन्स को बेच देगा, ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ जो लेबरर्स हैं लाइक कैजुअल लेबरर्स हैं उनको वो फायर आउट कर सकता है, वो फायर किए जा सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, ले ऑफ किया जा सकता है, रिट्रेंचमेंट हो सकती है, छटनी हो सकती है लेबरर्स की. लेकिन मशीनों को नहीं बेचेगा वो एक हफ्ते या महीने की स्ट्राइक होने पर प्रोडक्शन बंद हो गया है तो. ओके, सो इट इज़ द टाइम पीरियड और द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट द प्रोड्यूसर नाइदर कैन इंक्रीज नॉर कैन डिक्रीज द साइज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. ना तो घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता है फिक्स्ड फैक्टर्स का. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज इंस्टॉल्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन अ डे और कपल ऑफ डेज. ये रिप्लेस नहीं की जा सकती अगर इंस्टॉल हो चुकी है तो एक दिन में या कुछ कपल ऑफ डेज के ड्यूरिंग. ठीक है, वो वहीं पर रहेगी क्योंकि लाखों करोड़ों की मशीन को इतनी जल्दी ना तो बेचेगा और ना ही रिप्लेस करेगा. सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है अल्जेब्रिकली एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड के कॉन्स्टेंट. यहाँ पे हम के बार यूज़ किए हैं या फिर इसको हम पढ़ेंगे के कॉन्स्टेंट. ओके, दैट मीन्स जो कैपिटल है वो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी. ओके, तो क्वान्टिटी जो है या फिर जो एक्स क्वान्टिटी है उसकी जितनी हम क्वान्टिटी चेंज करेंगे तो सिर्फ लेबर को चेंज करके ही की जा सकती है. के कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहेगी. ओके, अगर हम इसको हम एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल जब हम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे एक्स कमोडिटी की तो हमने 10 यूनिट्स लेबर अप्लाई किया एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वी हैव यूज्ड. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन एट 50 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, 10 लेबर यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. If we do want to increase, if we have increased the output to 60 units, that means X commodity के 60 units अब हम produce करने लग गए हैं तो हमारी जो factor ratio है या फिर जो हमारा composition है different factors का उसमें क्या change आता है. Now we have started using 15 units of labor and 8 units of capital. Okay, compare अगर हम करते हैं so 10 labor से 15 units of labor, 8 units of capital. That means जब हमने 50 से 60 units increase की, 50 units produce करने के बाद जब हम 60 units पे shift हुए, 10 units हमने increase की production की, तो हम सिर्फ labor की ही units increase किए हैं 10 to 15 units of labor. Capital remained constant क्योंकि capital की maximum capacity अब utilize नहीं हुई है. ठीक है, it can produce means capital की 8 units जो हैं 60 या उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं, इसलिए हमने इनका साइज़ चेंज नहीं किया है और ना ही किया जा सकता था शॉर्ट रन टाइम पीरियड में. ओके, तो इतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी अभी यूज़ नहीं हुई है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ नहीं हुई है, वो उसके लिमिट में ही है. एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि फिक्स्ड फैक्टर्स की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की. ओके, उस मैक्सिमम कैपेसिटी के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि एक लैंड एरिया में जो है हम जो ग्रेन्स हैं सिर्फ लेबरर्स को ही इंक्रीज कर सकते हैं या फिर जो सीड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनको ही इंक्रीज करके हम इनफाइनाइट जो है आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, इनफाइनाइट लिमिट तक हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लाइक एक हेक्टेयर पे जो है 2 packets ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, 4 packets ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होगा, 10 packets ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. हाँ, नंबर ऑफ सीड्स जो है हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक. वो सर्टेन एक्सटेंट क्या है? लैंड की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी. लैंड की भी बीइंग द फिक्स्ड फैक्टर, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है तो उसकी भी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है उसकी फर्टिलिटी. ओके, अपनी फर्टिलिटी या फर्टाइल लिमिट से ज़्यादा लैंड जो है आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकता. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सीड्स इंक्रीज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही इंक्रीज हो सकता है और वो सर्टेन एक्सटेंट है फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी. सो यहाँ पे जो हम कैपिटल यूनिट्स लेके चल रहे हैं 8 units, तो हमने 8 units यूज़ करके ही जो है 60 units बढ़ा दी है. दैट मीन्स फिक्स्ड फैक्टर अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हम नहीं एक्सट्रैक्ट किए हैं, नहीं एग्जॉस्ट किए हैं. ओके, दूसरी तरफ पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं तो शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते थे तो हमने सिर्फ लेबर यूनिट्स को चेंज किया और आउटपुट हमारी इंक्रीज हो गई. ओके,
थस यहाँ पे लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है क्योंकि उनका नंबर चेंज नहीं हुआ। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल और कैन बी चेंज्ड टू चेंज द साइज ऑफ प्रोडक्शन और द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी फैक्टर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, सारे फैक्टर्स जो हैं वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स सभी फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट और द साइज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड होता है। मशीन्स इंक्रीज की जा सकती हैं, ये ईयर्स में होता है जो लॉन्ग रन हमारा है, ठीक है, मोर देन वन ईयर। प्लांट साइज भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सो In the long run, the production function is algebraically expressed as QX is equals to F, labor and capital. जहाँ पे short run में हमने capital को constant लिया था, K constant और K bar, यहाँ पे हमारा जो है K constant नहीं है, labor and capital दोनों ही variable है, तो K bar हमने नहीं use किया है, okay? So, 50 units of X is equals to 10 labor units and 8 units of capital. 60 units of output is equals to 15 units of labors and 12 units of output. That means हमने यहाँ पे दोनों को increase कर दिया है। Capital की भी 8 से 12 units हैं and labor की भी 10 to 15 units हमने use की हैं। तो दोनों ही जो factors of production है, दोनों ही inputs को हमने increase कर दिया है to increase the output. Okay? तो that means यहाँ पे दोनों factors जो हैं variable हैं, दोनों factors को change किया जा सकता है अगर हम production बढ़ाना चाहते हैं तो। The next is vital difference between short run production function and long run production function. Students keep remember यहाँ पे जो हमने पिछले examples use की हैं, तो short run के और long run के जो examples हैं, इन दोनों को correlate करने की ज़रूरत नहीं है। Means कि short run में हमने जो 50 to 60 units produce की थी, तो 10 labor units थी, 15 labor units थी, लेकिन capital 8 units ही थी short run में, okay? लेकिन long run में 50 to 60 units produce करने के लिए हमने दोनों को change कर दिया है। ओके, इट डजंट मीन कि हम इन दोनों को कोरिलेट करें सेम सिचुएशन में या सेम कंपनी या सेम ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं या सेम आउटपुट की यूनिट्स ले रहे हैं। इट डजंट मीन, ओके, दोनों को कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। दोनों अलग अलग टाइम पीरियड्स में हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि पिछले में हमने एग्जाम्पल में कहा कि 50 से 60 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं बाय ओनली इंक्रीजिंग लेबर यूनिट्स। सो सेम इज़ द केस हेयर। सो वाई देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द फिक्स्ड फैक्टर्स, मतलब 50 से 60 तो लेबर की यूनिट्स इंक्रीज करके भी इंक्रीज की जा सकती थी, तो हमने कैपिटल की यूनिट्स क्यों इंक्रीज की है? हम यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। मे बी हमारे जो आउटपुट है या प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो। शॉर्ट रन के लिए हमने अलग एग्जांपल किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए लिया हो, लॉन्ग रन के लिए हमने किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिया हो। द पॉइंट इज हमें ये दिखाना है कि अगर हमें आउटपुट इंक्रीज करनी है तो हम दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कोरिलेट नहीं करना है हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल शॉर्ट रन में लिया और जो एग्जाम्पल लॉन्ग रन में लिया, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में। व्हाट आर दीज? So the first one is the short run production function is a variable proportion type of production function. Short run production function जो होता है वो variable proportion type of production function होता है। अब ये variable proportion type of production function क्या कहता है? It says the factor ratio changes at different levels of output. Variable proportion, जैसे कि नाम ही बता रहा है, proportion variable रहेगा लेकिन किसके बीच में? Proportion change होगा लेकिन किसके बीच में? फैक्टर्स के बीच में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, और इट चेंजेस, फैक्टर रेशियो चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। मींस लेवल ऑफ आउटपुट जब हम चेंज करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस करनी है 50 से 60 करनी है, तो जो फैक्टर्स के बीच का रेशियो है, मींस कितनी लेबर यूनिट्स यूज़ की है और कितना कैपिटल यूज़ किया है, वो दोनों ही लेवल ऑफ आउटपुट में डिफरेंट होएगा, उन दोनों फैक्टर्स के बीच का रेशियो। एग्जांपल हम लेंगे तो समझ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, 50 यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, इन दोनों के बीच का फैक्टर रेशियो हम निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर रेशियो हम निकालें, दैट इज 10:8। ओके, दिस इज़ द फैक्टर रेशियो फॉर 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ओके, और मोर प्रिसाइजली दैट इज़ 5:4। यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये भी दिखा सकते हैं, दैट इज़ 5:4। ओके,
when we started producing 60 units, or we have increased our production to 60 units, the factor ratio changed. That is 15:8. Okay. 10:8 से 15:8 हो गया है हमारा फैक्टर रेशियो जब हमारी यूनिट्स चेंज हो गई हैं. ओके, क्लियर. द फैक्टर रेशियो चेंजेस, हम यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स नहीं देखेंगे. कैपिटल की यूनिट 8 थी, यहाँ पे भी 8 है, सिर्फ लेबर की ही चेंज हुई है. ओके, दिस इज द कॉज. ये जो लेबर की यूनिट्स चेंज हुई हैं सिर्फ, दिस इज द कॉज बिटवीन चेंज इन फैक्टर रेशियो. द फैक्टर रेशियो 10:8, हेयर द रेशियो इज 15:8. दोनों रेशियो अलग अलग हैं क्योंकि हमने लेवल ऑफ आउटपुट चेंज कर दिया है. और ये रेशियो चेंज कैसे हुआ? ये चेंज हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर की यूनिट्स हम चेंज कर पाए, दैट इज लेबर. दूसरा फैक्टर जो है सेम रहा, दैट्स वाई द फैक्टर रेशियो चेंज्ड. ओके, सो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, बिकॉज वन फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई द फैक्टर रेशियो चेंजेस. एक फैक्टर कॉन्स्टेंट रहने की वजह से जितनी भी यूनिट्स हम इंक्रीज करते जाएंगे, फैक्टर रेशियो चेंज होता जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर तो कॉन्स्टेंट है, दैट इज कैपिटल. ये 8 ही रहेगा. अब हम यहाँ पे 80 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेंगे, सो लेबर की यूनिट्स 20 हो जाएंगी या 22 हो जाएंगी, लेकिन हमारी कैपिटल सिर्फ 8 ही रहेगी. सो यहाँ पे 22:8 हो जाएगा फैक्टर रेशियो. इससे पहले 15:8 था, इससे पहले 10:8 था. सो डिफरेंट फैक्टर रेशियोज हमने देखे हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट. ऐसा क्यों हुआ? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फैक्टर. ओके, दैट इज कैपिटल. जो कैपिटल हमारा है उसकी वजह से ही हमारी जो है फैक्टर रेशियो चेंज होता है. तो शॉर्ट रन में कैपिटल चेंज नहीं हो सकती. ये जो कैपिटल है बीइंग द फिक्स्ड फैक्टर, इसी वजह से हमारा जो है फैक्टर रेशियो शॉर्ट रन में चेंज होता है अगर हम प्रोडक्शन का लेवल चेंज करते हैं. दूसरी तरफ वेरस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. इन लॉन्ग रन द रेशियो, फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज. The factors changes, the number of units changes, factor जो factors of production है उनकी units तो change होंगी, लेकिन उनके बीच का जो ratio है वो change नहीं होगा long run में. Okay, that's why it is called constant proportion type of production. That means the factor ratio remains same at every level of production. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही factors या सभी factors variable होते हैं, that's why they changes in proportion, or they proportionately changes their number with the size of change in size of output. जो output का level है, output का size जब change होता है, तो जो number of factors हैं वो proportionately change होते हैं, क्योंकि दोनों ही factors यहाँ पे variable हैं, तो proportionately change होते हैं. For example, अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम 50 units produce कर रहे थे, तो 10 units of labor and 8 units of capital, that is 5:4. जो रेशियो हमने निकाला, that is 5:4. 60 units produce कर रहे हैं, तो 15 units of labor and 12 units of दैट इज कैपिटल. ये जो है ये 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हम यूज कर रहे हैं. ओके, 15 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. अगेन द रेशियो इज 5:4. जब सिंप्लीफाई करेंगे 15:12 को, तो 5:4 आएगा. दैट मीन्स फैक्टर रेशियो चेंज नहीं हुआ. ओके, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहे हैं. फैक्टर्स तो चेंज हुए, 10 से 15 यूनिट्स ऑफ लेबर, 8 से 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, लेकिन उन दोनों के बीच का जो रेशियो है 10:8 एंड 15:12, इनका जो रेशियो है वो 5:4 ही रहा. प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं लॉन्ग रन में. दैट मींस जितना ज़्यादा हम प्लांट साइज या फिर मशीन्स इंक्रीज करेंगे, उतना ही हम लेबर्स जो हैं इंक्रीज करेंगे लॉन्ग रन में. प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं. शॉर्ट रन में मजबूरी थी कि हम फैक्टर्स जो है फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ लेबर ही चेंज होती हैं. अब इनको हम डायग्रामेटिकली शो करें, तो जो हमारा लॉन्ग रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो कर्व होगा वो 45 डिग्री के एंगल पे राइज करेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा 45 डिग्री के एंगल पे. और ये दिखाता है, या 45 डिग्री के एंगल पे जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है दोनों ही कैपिटल एंड लेबर जो है दोनों ही प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं. ओके, जब फर्स्ट पॉइंट ए हमारा दिखा रहा है 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, द रेशियो इज 5:4. जब हम बी पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज 15:12, 15 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, द रेशियो इज 5:4. दैट मीन्स कॉन्स्टेंट फैक्टर रेशियो ये दिखा रहा है. दैट्स वाई इस कॉन्स्टेंट फैक्टर रेशियो की वजह से ही ये 45 डिग्री के एंगल पे है, प्रोपोर्शनेटली चेंज होने की वजह से ही. अदरवाइज ये 45 डिग्री के एंगल पे नहीं होता. द नेक्स्ट इज वेरिएबल फैक्टर रेशियो. शॉर्ट रन में जो होता है, जिसमें कि हमें पता है कि कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कैपिटल चेंज नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल हमने ओ वाई एक्सेस पे दिखाया है एंड लेबर इज ओ एक्स एक्सेस.
सो लेबर ही चेंज हो रहा है, 10 to 15 यूनिट्स ऑफ लेबर हमने अप्लाई की, लेकिन कैपिटल हमारी 8 यूनिट्स ही रही जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं. तो पॉइंट ए पे जो हमारा फैक्टर रेशियो है दैट इज़ 5:4, लेकिन पॉइंट बी पे जो हमारा फैक्टर रेशियो है दैट इज़ 5:2.6, या फिर इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 7.5:4. 2 से डिवाइड करेंगे 15:8 को, 15 and 8 को, तो डेट इज़ 7.5:4 और 5:2.6. 3 से डिवाइड करेंगे तो 5:2.6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5:4 हो जाएगा. तो इनिशियली दैट वॉज 5:4, नाउ इट इज़ 7.5:4. तो फैक्टर रेशियो चेंज हो गया 5:4 से 7.5:4, दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर रेशियो. ओके, और ये एक पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हमारा कर्व है, क्योंकि कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर ही इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो ये पैरेलल चलेगा. हॉरिजॉन्टल कर्व होगा हमारा पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस. ओके,